मेरा नाम सरफराज खतीब है, मैं कलमत रोड रवारपेट का रहने वाला हूँ। मेक देम स्माइल फाउंडेशन जो 7 साल से चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण और उसका जो बैकबोन है, वो सबसे बड़ा बैकबोन है हमारे डोनर्स। नम्मा बेलगावी से, ओके, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं किसी को अपना एक लाइव इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक मेरा बहुत दिनों से एक सपना टाइप था कि ऐसे कोई कैमरा लेके सामने खड़ा हो और मुझको मेरा कोई इंटरव्यू ले। ताकि नन्ना बेळगाविय एल्ला वीक्षकरिगे नमस्कार। ನಾವಿವತ್ತು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಅವರನ್ನ ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಸ್ಮೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ್ದು. ಇವರ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಕೇಳಿ. नमस्ते, मेरा नाम सरफराज खतीब है, मैं कलमत रोड रवारपेट का रहने वाला हूँ. मैं फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मेक देम स्माइल फाउंडेशन का, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मेक देम स्माइल फाउंडेशन का. मैं इंडालको कंपनी में जॉब करता हूँ, स्टोर्स डिपार्टमेंट में. एंड मैं
यहाँ पे आज आपको हमारे फाउंडेशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे फाउंडेशन का नाम है मेक देम स्माइल फाउंडेशन। ओके, ये मैंने जो फाउंडेशन स्टार्ट किया था तकरीबन 2014 में मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो मेरा इंटेंशन ये था कि कुछ समाज के लिए कुछ करेंगे। ये फाउंडेशन स्टार्ट करने का मेरा जो मेरे मन में जो आया, मैं एक बार क्लोथ डोनेशन देने के लिए एक आश्रम में गया था, प्रज्वल ऑर्गेनाइजेशन करके, मार्वलस बेलगाम के टीम के साथ में गया था। तब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो जो भी बच्चे वहाँ पे थे, जो भी अनाथ बच्चे हैं या फिर ऑर्फन बच्चे हैं, कोर्ट कमिटेड बच्चे हैं, सेक्सुअली अब्यूज बच्चे जो भी वहाँ पे रहते हैं, मैंने उनकी परिस्थिति देखी। तो देखने के बाद में मुझको बहुत ख़राब लगा उनकी परिस्थिति देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं। तो ये बच्चों को देखने के बाद मैंने सोचा कि ये बच्चों के लिए, गरीबों के लिए या फिर ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ हम लोग करेंगे करके। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चार पांच दोस्तों को कंसल्ट करके, बात करके, एक हम एक एनजीओ खोलेंगे मेक देम स्माइल फाउंडेशन के नाम पे। तो हम चार दो लोगों ने, दोस्तों ने बैठ के ये प्लान किया कि हमें कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि 10 रुपीज़ कॉन्सेप्ट पर डे। तो हमने क्या किया, हमारे जो भी पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल में है, जॉब गोइंग हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को जाके मिलते थे और हम बताते कि हम ऐसे ऐसे एक सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम सबको काउंसिलिंग करेंगे और हम उनको बोलेंगे कि आप लोग आपके घर में एक डब्बा रखो, वो डब्बे में डेली 10 रुपये डालो। ओके, दिन में डालो या दो दिन में एक बार डालो, जो भी वो डब्बे में अमाउंट जमता है, समझो एक 10 रुपये डेली आप डालेंगे तो 300 रुपये हो गया। तो जितना भी अमाउंट जमा होता था जितने लोगों के पास से, तो हमारा फंडिंग हो जाता था, फंडिंग एक्यूमुलेट होता था। तो वो फंड से हम लोग क्या करते थे, हम लोग जितना भी महीने में जमता था, तो ऐसे जो भी बच्चे हैं या जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं या फिर कोई गरीब है जहाँ पे कुछ उनको ज़रूरत ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम लोग उनको वो सब अमाउंट जो जमा होता था, हम लोग उनको लेके जाके ये अमाउंट दे देते थे। ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಇವರು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆ, ಮದುವೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಯುವಕರ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಸುಮಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. हमारा फाउंडेशन बहुत सारे कैटेगरीज में काम करता है. हम पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में काम करते नहीं, हम बहुत सारे कैटेगरी में काम करते हैं. हम मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, एडुकेशनल फील्ड में काम करते हैं, स्लम एरिया रिलेटेड एरिया में काम करते हैं, मैरिज रिलेटेड, अगर समझो किसी गरीब लड़की या लड़की के शादी के लिए उनको हेल्प करना है तो उधर प्रमोट करते हैं. स्पोर्ट्स रिलेटेड कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं. तो ओवरऑल हमारा जो भी जॉब काम करने का तरीका है वो फिक्स नहीं है. ए टू जेड जो भी नीडी पीपल है, ज़रूरतमंद पीपल है, हम हर एक कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं. आप लोगों को हमारे थोड़े एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ. सेलेक्ट सबसे पहला केस हमने लिया था एक 14 साल के लड़के का जिसका नाम कमालुद्दीन कडोली था. उसको हमने, वो सिविल हॉस्पिटल में सफ़र कर रहा था, गरीब था, तो हमने उसको सिविल हॉस्पिटल से केली में शिफ्ट कराया. तो वहाँ शिफ्ट कराने के बाद पता चला कि ही हैज़ टू गो अंडर हार्ट सर्जरी एंड ब्रेन सर्जरी. तो हमने बहुत सारे लोगों से मदद के थ्रू और गवर्नमेंट के मदद के थ्रू, गवर्नमेंट से हमको 90,000 रुपीज़ का फंड मिला था. हमने थोड़ा एक 50,000 एक्यूमुलेट किया था और बाकी अल नसर फाउंडेशन करके है, उन्होंने हमको मदद करा था. तो उस तरह से हमने सक्सेसफुली वो लड़के को उसका ऑपरेशन करा के हमने उसको बचाया था. ये हमारा सबसे पहला केस मेडिकल केस में था. एडुकेशनल फील्ड में हमने एक बोलता एग्जाम्पल में, हमारा जो एक अंकुर स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है मेंटालिटी रिटार्डेड बच्चों का जो चन्नम्मा नगर में, वहाँ पे दैट इज़ रन बाय गायत्री गौड़े मैडम. तो वहाँ पे कैसे बच्चों को सीपी बच्चे आते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे आते हैं, वहाँ पे सब गरीब टाइप के बच्चे आते हैं थोड़े बहुत.
तो वेल टू डू भी आते हैं, जो गरीब बच्चे वहाँ पे आते हैं देख वो लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते वैसे बच्चे बहुत आते हैं। तो वहाँ पे एक पीयूष करके लड़का था, उसके डैड कारपेंटर थे, गरीब थे, और उसको एडमिशन कराना था लेकिन वो पैसों के कारण एडमिशन नहीं करा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम के पास हमको फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्टूडेंट आया है, ही इज़ वेल एंड ही वॉन्ट टू ज्वाइन। तो हमने उसको पूरे साल का फीस हमने उसको हेल्प करके हमने उसको ज्वाइन कराया। हम मेडिकल रिलेटेड केसेस में मेडिकल कैंप्स भी रखते हैं, हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है श्री ऑर्थो एंड ट्रोमा सेंटर से, डॉक्टर देवेगौड़ा सर हमको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। हम रिमोट गांव में जैसे कि इंडालको के पीछे जो ये धरनट्टी भरनट्टी कलकाम वगैरह ऐसे जो गांव हैं वहां पे हमने जाके मेडिकल अवेयरनेस प्लस मेडिकल फ्री मेडिकल हमने ये भी किया, कैंप्स भी रखा है, जनरल चेकअप बोलो, आई चेकअप, बीपी, शुगर, जो भी जनरल चेकअप आता है थ्रू देवेगौड़ा सर के हेल्प से श्री ऑर्थो ट्रोमा ये सेंटर की तरफ से हमको हेल्प मिलता है। हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं। हमारे एक जो मेंबर है डॉक्टर संध्या कदम करके हैं, वो जो भी लेडीज़ रिलेटेड जो भी अवेयरनेस कैंप्स देना रहता है वो हमको हेल्प करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे लेडीज़ रिलेटेड बच्चों रिलेटेड अवेयरनेस कैंप्स भी हम लोग करते हैं। हम एवरी ईयर हमारा एक इवेंट होता है स्काई जोन करके, फंडे एट स्काई जोन करके, एवरी ईयर हम 100 बच्चों को जो अनाथ रहते हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, हम उनको स्काई जोन लेके जाते हैं और उनको वहाँ के गेमिंग सेंटर का हम उनको एक नज़ारा दिखाते हैं कि गेमिंग सेंटर क्या रहता है। हम उनको 100 बच्चों को वहाँ पे लेके जाके उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच, इवनिंग का टेक अवे गिफ्ट के साथ फुल डे एंजॉयमेंट देके, ये इवेंट के लिए हमको बहुत अच्छा स्काई जोन स्टाफ और ओनर जो है हितेश बोरल उनके तरफ से हमको बहुत सारा हेल्प मिलता है। ये हमारा रेगुलर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है स्काई जोन करके। हमारा लास्ट ईयर मेन प्रोजेक्ट हमने एक स्टार्ट किया था कि हमने बेलगाम में पहली बार मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए हमने स्पोर्ट्स मीट रखा था। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा। आज तक बेलगाम ने इंटर स्कूल मेंटली रिटार्डेड बच्चों का स्पोर्ट्स मीट अभी तक नहीं हुआ, तो हमने लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है। ड्यू टू कोविड ये साल हम वो नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हमारे जैसे कि अवेयरनेस, मतलब लोगों को अवेयरनेस देना है, या फिर जो भी गरीब मध्यम लोग रहते हैं जैसे कि हमने 50 अम्ब्रेलाज हमने नरगुंतर भावे चौक में हमने फ्री में हमने भाजी वेंडर्स जो रहते हैं हमने उनको गिफ्ट किया है। ये हमारे थोड़े सिलेक्टेड मैंने आपको बताया है। ओवरऑल ए टू जेड सब कैटेगरी में हेल्प करते हैं। गरीब कोई अगर ऐसी लड़की है या फिर गरीब ऐसी माँ है जिसको अकेली माँ है जो शादी के लिए अगर उसको कुछ इशू आता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है, तो हम शादियों के लिए भी उनके पेरेंट्स को बोलो या फिर लड़की को बोलो हम लोग हेल्प करते हैं। ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಯುವಕರು ಪಾರ್ಸಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಜನ
ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಷೌರಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರು. ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಜನರು ಮರಳಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಸರಫ್ ರಾಜು. आप जानते हैं कि ये टाइम कोविड 19 का जो भी क्राइसिस चालू हो गया, जो भी पैंडमिक आया है, वो सबसे ख़राब स्थिति आ गई थी ऑल ओवर इंडिया में. उससे बहुत सारे मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन जो रहते, जो भी बिजनेस रहते, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस आया है. तो ये सब इसमें सबसे मेन धक्का लगा है जो भी हमारे सलून्स हैं, जो भी हमारे बार्बर भाई लोग हैं, उनको बहुत सारा धक्का लगा है. क्योंकि वो ऐसा जगह था जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कांटेक्ट होना जायज़ है. वहाँ पे कांटेक्ट होना बिल्कुल भी कांटेक्ट हो ही सकता है, टच होगा ही हमारे जो भी बार्बर लोग रहते हैं कस्टमर के बीच में. तो उस तरह से जो भी वेल इक्विप्ड शॉप्स जो रहते हैं, बड़े बड़े जिनके शॉप्स में एसी रहता है, वेल इक्विप्ड है, वहाँ पे हम देखे कि बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पे जा रहे हैं. बट जो भी मध्यम वर्ग के जो गरीब हैं, उनके शॉप्स के ऊपर ये वो लोग शॉप्स सुबह खोलते थे, दोपहर में बंद कर देते थे, क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहे. जो कि उनके जो भी शॉप्स का जो भी कंडीशन था, जो भी वो इक्विपमेंट्स उनके थे, कि उतने वेल इक्विप में रहते थे, इसलिए कस्टमर्स वहाँ पे नहीं जाते थे. तो हमने क्या इनिशिएटिव लिया कि हमने बेलगाम में 10 कंटेनमेंट जोन एरिया हमने सिलेक्ट किया. वहाँ पे 10 शॉप्स हमने ऐसे सिलेक्ट किए जो भी जो गरीब हैं, जिनकी जो भी रोजी रोटी है सिर्फ उसके ऊपर ही चलती है. तो हमने 10 शॉप सिलेक्ट किया 10 कंटेनमेंट जोन में. हमने वो शॉप्स को एक 10 लीटर का सैनिटाइजर मशीन से हमने वो शॉप में इक्विप कर दिया. हमने 10 लीटर का सैनिटाइजर मशीन वहाँ पे एक फिक्स किया. वेगा का हमने एक फेस शील्ड दे दिया, 10 पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स दे दिए, डिसइनफेक्टेड टैबलेट्स हमने दिए, जो एक टैबलेट आती है जो पानी में डाइल्यूट होके जो भी उनका वस्त्रा वगैरह जो भी सीजर रहता है वो डिसइनफेक्ट हो जाता है. क्योंकि बहुत सारे शॉप्स ओनर जो थे वो कैंची को या फिर कोम को सैनिटाइज कर रहे थे, उससे उनका बहुत नुकसान हो रहा था सैनिटाइजर उनको लेने में ये करने में. तो ऐसे 10 शॉप हमने सिलेक्ट किए जो एफर्ट्स नहीं कर सकते थे, एफर्ट नहीं कर सकते थे कि ये सैनिटाइजर मशीन्स लाओ या सैनिटाइजर लगाओ. तो हमने उनका पूरा शॉप इक्विप करके दिया, पूरा सैनिटाइज करके दिया, सैनिटाइजर मशीन्स लगाए. तो उससे क्या हो गया कि बहुत सारे जो भी कस्टमर्स उनके थे रेगुलर, तो ये सब इक्विपमेंट देख के दे गॉट सेटिस्फाइड कि चलो अभी ये शॉप में सैनिटाइजर मशीन है, फेस शील्ड पहन के वो भी जो भी ओनर है वो काम कर रहा है. इससे उनके बिजनेस को बूस्ट मिल गया, कस्टमर्स अट्रैक्ट होने का शुरू हो गए. तो हमने ये इनिशिएटिव से उन पूरे 10 शॉप्स में हमने सैनिटाइजर मशीन इक्विप करके दिया, ताकि इक्विपमेंट देख के कस्टमर्स वहाँ पे आए और उनका जो भी है बिजनेस वापस से स्टार्ट हो जाए. तो ये इनिशिएटिव और ये आइडिया से हमने, ताकि उनका रोजी रोटी वापस से शुरू हो जाए करके, हमने 10 एरिया में हमने सैनिटाइजर मशीन फिक्स किए. आप देख सकते हैं यमुनापुर गांव में हमने फिट किया है, ऑटो नगर में फिक्स किया है, थिलकवाड़ी में शिवाजी गार्डन रोड पे हमने फिक्स किया है, वड़गांव, कासबाग, शाहपुर, ऐसे एरियाज में हमने मेन एरियाज में हमने हमारे आपको सैनिटाइजर मशीन हम लोग देख सकते हैं. ಇನ್ನು ನಾವು ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತಿಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಧಕರು, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಡುಕುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭಾಗದವರಾದಂತಹ ಗುರುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂತೀರಾ? ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತ. ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಈ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನು ಉಪಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಫ್ ರಾಜು ಕೇಳಿ. अभी हमारा जो ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. एक्चुअली ये फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है. फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज का इनिशिएटिव और कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हम आप सब लोग देखते हैं कि हम जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हम लोग ऑर्डर करते हैं, ओके, ऑर्डर करने के बाद में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म नहीं करते, मैक्सिमम लोग ख़त्म नहीं करते हैं. तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया कि ये जो प्लेट वेस्टेज जो बोलते हैं, हम अगर समझो 3/4 खाते हैं और 1/4 फेंकते हैं, तो ये उसको कैसे रुका सकते हैं करके हमने और हमारी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये हम इसको अवेयरनेस देंगे, कस्टमर को अवेयरनेस देंगे. तो उसको अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं करके हमने एक आइडिया से आया आइडिया हमने ये लिया है कि जो भी टिश्यू होल्डर रहता है होटल में, तो हमने एक प्लान किया कि जो प्लान से ये स्टार्ट किया कि जो भी टिश्यू होल्डर के ऊपर टिश्यू होल्डर का साइज लेके हम लोग उसके ऊपर एक स्टिकर बनाते हैं. वो स्टिकर में सिंपल मैसेजेस रहते हैं कि डोंट वेस्ट फूड, आप जितना खा सकते हो उतना ही ऑर्डर करो और जो भी ऑर्डर करते हो उतना ख़त्म करो. और एक सिंपल मैसेज आता है कि हर एक 10 सेकेंड में एक बच्चा भूख से मरता है. तो एक अवेयरनेस हमने ये स्टार्ट किया है ताकि प्लेट वेस्टेज कम हो जाए. प्लेट वेस्टेज से क्या होता है, दैट इज़ अ टच फूड. वो जो भी टच फूड रहता है तो होटल का ओनर क्या करता है, जनरली ही हैज़ टू जस्ट डंप इन द गार्बेज. तो वो खाना कचरे में जाने के लिए रोकने के लिए हम उसको क्या करें, कैसे अवेयरनेस लाए, तो हमने ये आइडिया और ये इनिशिएटिव लिया है. हम कट पीस बनाते हैं स्टिकर्स का टिश्यू होल्डर के साइज के हिसाब से, और हम लोग टिश्यू होल्डर को स्टिक करके वो टिश्यू होल्डर टेबल पर फिट करते हैं. इससे क्या होता है, जब भी कस्टमर आएगा, मेन्यू कार्ड लेगा, मेन्यू कार्ड जब उठाएगा तो उसका नज़र वो टिश्यू होल्डर के ऊपर पड़ेगा. तो जैसे ही उसका टिश्यू होल्डर पर नज़र पड़ेगा, वो मैसेजेस पड़ेगा हमारे कि क्या लिखा है कि खाना मत वेस्ट करो और जितना ऑर्डर करते उतना खाओ जितना लगेगा, तो ही विल गेट एन काइंड ऑफ अवेयरनेस. एक 10% लोग तो वो मैसेज को देख के थोड़ा बहुत जो भी ऑर्डर करना है जैसे प्लान करके करना है वो लोग करेंगे. तो इट्स एन आइडिया कि लोग कस्टमर देखें टिश्यू होल्डर्स को और देखने के बाद में खाना जो प्लेट में वेस्टेज होता है वो कम करे करके हमने इनिशिएटिव से हमने ये फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज करके हमने स्टार्ट किया है. लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, ये साल भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ये साल भी हम 10 से 15 होटल कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए फंड्स का ज़रूरत लगता है. जैसे जैसे फंड्स हमारे पर एक्यूमुलेट होता है, वो सबसे हम लोग टिश्यू होल्डर्स लेते हैं, स्टिकर्स बनाते हैं. ये साल हमने मेक देम स्माइल फाउंडेशन यू टीम करके बनाया है. यू टीम में यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं. वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ये साल ये लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेरियस होटल्स को जाके ओनर्स के साथ बात करके उनका जो भी टिश्यू होल्डर्स का जो भी साइज़ है लेके उनके साथ इंटरेक्शन करके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करके कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, किस तरह से आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कितना प्लेस करना है, जितना आपको लगता है उतना लेके प्लेस करके उतना पूरा फिनिश करना है. ये कॉन्सेप्ट से ये आइडिया से जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आने के लिए हमने ये फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज करके हमने कैंपेन स्टार्ट किया है. हमारा ये जो फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज जो भी कैंपेन है, हमने आपको देखने को मिलेगा अगर आप अजंता होटल आरपीडी में जाएंगे, मंच में जाएंगे जो सरदार ग्राउंड पे है, सुवर्ण मंदिर एंड देन कॉपर लीफ करके है वहाँ पे, फिर मैंने पिजेरिया करके है वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे ऐसे जाने माने होटल में हम अभी काम कर रहे हैं और हम ऐसे बहुत सारे होटल्स में हमने स्टिकर्स लगाए हैं. आप सिटी में अगर मारुति गली में जाएंगे तो शिव सागर करके एक होटल है, वहाँ पे भी हमारे आपको कटिंग्स मिलेंगे, हमारे मिलेंगे पराठा कॉर्नर में, मंच मन में आपका सैफ्रन होटल में. तो ऐसे जो भी बहुत सारे ऐसे होटल्स है जो हमारे आइडिया को पसंद करके इवन दे आर फाइटिंग दैट कि प्लेट वेस्टेज कम हो जाए. बीइंग अ होटल के ओनर है कि भी दे हैव सपोर्टेड अस एंड दे हैव अलाउड टू डू ऑल दिस थिंग्स इन देयर होटल. तो ऐसे बहुत सारे होटल्स में हमारा प्लान है कि हम आगे जितने चाहे उतने पूरे होटल्स में हमारा ये एक्टिविटी या फिर ये जो भी प्रोजेक्ट हैं इनिशिएटिव हैं ये हम कंप्लीट करें. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಲಾಭ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಫ್ ರಾಜು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಮಾರಾ ಯೇ ಜೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೈ ಜೋ ಭೀ ಮೇರಾ ಟೀಮ್ ಹೈ ಯೇ
सब एकजुट मिलके हम लोग काम करते हैं। पैसे जो भी आते हैं, जो भी डोनेशन आता है, जो भी कंट्रीब्यूशन आता है, आना इजीली आ जाता है, लेकिन उसको सही जगह पे यूज़ करना, यूटिलाइज करना, वो फेथ डोनर्स के बीच में लाना, वो जो काम करना है जहाँ पे यूटिलाइज करना है वो वहाँ पे करने से होता है। हाँ, ये जो हम काम करते हैं, मैं जॉब करता हूँ 8 to 5 मेरा ड्यूटी टाइमिंग रहता है मंडे टू सैटरडे, एंड ये जो भी एक्टिविटी होती है हमारी, हम लोग सब लोग मिल के संडे में या फिर जब छुट्टी रहती तब करती है, हम कुछ बेनिफिट्स के लिए या कुछ नहीं करते। ये जो भी हम काम करते हैं, हमारे में एक पैशन है लोगों को मदद करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो भी नीडी लोग हैं उनको कितना हो सकते हैं उनको उनकी तकलीफ़ दूर करना, उनकी तकलीफ़ दूर करने से हमारे में एक खुशी आती है, खुशी होती है और वो ऊर्जा आती है कि और हम काम करें। इसलिए आप देख सकते हैं हमारा फाउंडेशन का नाम हमने रखा है कि मेक देम स्माइल फाउंडेशन। हम चाहते हैं कि सबके चेहरे के ऊपर खुशी आए, सब लोग हंसे, वो हंसेंगे तो हम लोग हंसेंगे। हमारा जब कोई भी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, और जैसे कि आज हमारे काम को अप्रिशिएट हो रहा है, नम्मा बेलगावी टीम जो हमारे काम को अप्रिशिएट कर रही है, जब ऐसे कुछ होता है तो हमको लगता है कि हम सक्सेसफुल हो गए, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमको जो भी लोग हमारे पर भरोसा करके हमको जो भी काम करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो सही जगह पर कर रहे हैं। और आज हमको मैं जो आपके सामने ये सब बता रहा हूँ, ये सब उसी की बदौलत है और सबकी दुआ है कि हम लोग, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं। और ये सब काम करने से हमको इतनी खुशी मिलती है और हम कुछ बेनिफिट्स के लेने करते हैं, कभी कभी अपनी जेब से भी डालना पड़ता है समटाइम्स, तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खुशी मिलती है हमारे तरफ से। अगर कोई खुश होता है तो हम खुश हैं। मेरे जो भी 9 डायरेक्टर्स हैं और वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, सब लोग वेरियस फील्ड में काम करते हैं, एक सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है, एक सीए है, एक डॉक्टर है, एक स्कूल चलाते हैं, एक लेक्चरर है, एक बिजनेसमैन है, सब लोग इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी जब जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, जब को हमको करना है, सब लोग मिलजुल के हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट करते हैं। ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಹಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ತೆರೆಮರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. मेक देम स्माइल फाउंडेशन जो 7 साल से चल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण और उसका जो बैकबोन है वो सबसे बड़ा बैकबोन है हमारे डोनर्स, मंथली डोनर्स. हमारे एक फिक्स एक 15 डोनर्स हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं. ये जो भी हम जो काम करते हैं ऑल द क्रेडिट गोज़ टू ऑल आवर डोनर्स बिकॉज इनके वजह से हमारा काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं पूरे अपने दिल से मेरे जो भी मंथली डोनर्स है, जो भी डोनर्स है जो 100 रुपये देते हैं, 200, 300, 500, ये हमारी मेक देम स्माइल फाउंडेशन की बैकबोन है. मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारी टीम की तरफ से. और जो भी हमारे बड़े बड़े इवेंट्स में जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि जैन स्कूल जो हमारी है, जो हमारे प्रोग्राम्स के लिए बस प्रोवाइड करती है, इंडालको इंडस्ट्रीज है जो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए अपने CSR फंड में से हेल्प करती है, श्री ऑर्थो एंड ट्रोमा सेंटर जो मेडिकल स्कैम्स वगैरह के लिए हमको हेल्प करती है, डॉक्टर आरती भंडारे मैडम जो अमूल्य बूंद फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, वो हमको रेगुलर बेसिस पर हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम जब भी उनको इन्वाइट करते हैं वो आके हमको हेल्प करते हैं. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे काम को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और हमको हेल्प करने आते हैं. तो मैं उन सबको अपने पूरे दिल से मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ बिकॉज डोनर्स के वजह से, डोनर्स के बिना पर काम करना हाईली इम्पॉसिबल है. हम डेली डे टू डे जॉब करने वाले आदमी हैं, अपने पॉकेट में से उतना डाल के नहीं कर सकते. तो ये जो भी काम चल रहा है ये सब एक पूरा टीम वर्क से चल रहा है. सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारा एक जो 9 डायरेक्टर्स है उनकी वजह से चल रहा है. ये जो भी हमको जो सपोर्ट करते हैं हमारे डोनर्स, ये सब उनके उपकार के ऊपर और उनके फेथ के ऊपर, उनके ट्रस्ट के ऊपर ही हमारा ये जो भी है चल रहा है. और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. मैं पूरे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलता हूँ. हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है दीपक पटेल, हमारे सेक्रेटरी जो है शकील कादरी, हमारे ट्रेजरर शाजी कुट्टी सर, कलावती मैडम, गायत्री गोड़े मैडम, कैसर खतीब, राजेश हिरेमठ सर, ये पूरे लोगों को मैं, ये सब लोग मेरे से इतने सीनियर हैं बट कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि वो सीनियर है या मैं जूनियर हूँ. वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते, मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करते, मेरे जो भी मैं उनके पास प्रपोजल लेके जाता हूँ आज तक उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला है कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे. मैं सभी मेरे डायरेक्टर्स का थैंक यू बोलता हूँ और पूरे डोनर्स का और जो भी हमारे वेल विशेज हैं, जितने भी हमारे प्रेस वाले हैं, ओके, तरुण भारत, सकाल, पुढ़ारी, ये हमारे जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं ये हमको प्रमोट करते हैं, पब्लिश करते हैं हमारी न्यूज़, जेन्यून न्यूज़, और लोगों में अवेयरनेस थ्रू, उनके पेपर के थ्रू हमारा अवेयरनेस जाता है. इन बेलगाम, इतिहाद न्यूज़, ये सबको मैं अपने पूरे दिल से थैंक यू बोलता हूँ. आज जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अखिल सर नम्म बेलगावी से, ओके, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं किसी को अपना एक लाइव इंटरव्यू दे रहा हूँ. एक मेरा बहुत दिनों से एक सपना टाइप था कि ऐसे कोई कैमरा लेके सामने खड़ा हो और मुझको मेरा कोई इंटरव्यू ले ताकि हमारा फाउंडेशन का काम स्प्रेड हो, पता चले. और हम ज़्यादा न्यूज़ में रहते नहीं, कुछ नहीं रहते, बट थ्रू पेपर्स एंड ऑल दैट इंटरेक्शन, ऐसा लाइव इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ है. तो ये मेरे लाइफ का जो भी एक ड्रीम था या सपना था आज अखिल सर के थ्रू और नम्म बेलगावी के थ्रू वो पूरा हुआ है. और मैं पूरे अखिल सर
के टीम को और नम्मा बेलगावी के टीम को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है आर्टिकल, उन्होंने एक्चुअली उनका मेरा अप्रोच कैसे हो गया, हमारा आर्टिकल उन्होंने फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज में तरुण भारत में पढ़ा और उन्होंने मुझको कॉल किया और बोला कि मैं ऐसे ऐसे अकील बोल रहा हूँ नम्मा बेलगावी से, और आपका आप क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ है आपके, ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका फाइट अगेंस्ट फूड वेस्टेज का। तो उन्होंने ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पेपर में पढ़ के अप्रिशिएट करता है और आके बात करता है, पूछता है और स्प्रेड करता है, बस थोड़े लोग हैं जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, प्रमोट कोई नहीं करता है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं प्रमोट हो, हमने जो मेहनत से हमारा एक 7 साल से जो एक नाम बना के रखा है मेक देम स्माइल फाउंडेशन का, वो हमें इस लेवल पे बढ़ाना है ताकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमारे तरफ से हेल्प हो। अगर हमारे फाउंडेशन के बारे में अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे, हम भी उनके तक रीच हो पाएंगे। हर एक जगह पर हम नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे लिमिट्स हैं, जहाँ पे हमको मालूम पड़ता है हमको जाना है वहाँ पे ही जाएंगे। बट थ्रू अकील सर और नम्मा बेलगावी के टीम से ये आज का जो भी इंटरव्यू हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मदद चाहिए होगी, तो इसके थ्रू वो लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं और हम लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं, उससे उनको जो भी मदद है हम कर सकते हैं और उनको हम ज़रूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों से, आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प हो, हमारे से जो भी बन पड़ेगा, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, उससे हम श्योर शॉट आपको लोगों को हेल्प ज़रूर करेंगे। हम लोग हेल्प करने के लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं। आप हमारा दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकते हैं, कभी भी मुझको फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर, हमारे फाउंडेशन का डिटेल्स आपको चाहिए तो ये इंटरव्यू में अकील सर प्रोवाइड करेंगे। एनी टाइम आप हमको कॉल सकते हैं, एनी हेल्प, ए टू जेड एनी हेल्प आपको चाहिए तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे से जो भी बन पड़ेगा हम करने के लिए रेडी है, और हम करने के लिए ही, हम ये मकसद से ही हम ये फाउंडेशन खोले हैं। थैंक यू।